बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा गैस वाटर हीटर है तो उसे हम चलाते हैं तो वो चलता है, कुछ देर बाद बंद हो जाता है या फर्स्ट चलता ही नहीं है। अगर उसका पायलट ऑन होगा तो उसके बाद ही गीज़र ऑन होगा। अगर पायलट चलाने के बाद बंद हो जाता है, पुश बटन दबाने पर चलता और छोड़ने पर बंद हो जाता है तो उसकी सेटिंग करेंगे हम। तो सबसे पहले ये बॉक्स ओपनिंग कर लेना है, इसका बॉक्स है, पेज वगैरह लगे होते हैं उतार लेना। इसके बाद पिल और पायलट सेट है, इसे खोल लेना। इसके पेज वगैरह खोल के इसे हमने बाहर निकाल लेना। बिल्कुल एहतियात से निकालना, कॉपर के पाइप होते हैं तो ये टेढ़ा होने से टूट सकते हैं, पाइप लीक हो सकता है। तो यहाँ पे इसकी जो पिल्स है, तार है, वो ख़राब है, जिसकी वजह से गीज़र जो इसका पायलट है, पुश बटन दबाने पे शोला चलता है और छोड़ने पे बंद हो जाता है। उसकी जो चीज़ ख़राब होने वाली है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये पिल्स है। इसकी जगह हम नई पिल जो तार है नई फिटिंग करेंगे। तो ये बिल्कुल नया पीस है, जो कम से कम 200 और ज़्यादा से ज़्यादा 350 रुपये में मिल सकता है। तो जैसे हमने पुराने वाली पिल निकाली है उसी फिटिंग में बिल्कुल एहतियात से इसे लगा लेना है। साइज़ इसका एक ही होता है। जैसे ही हमने इसे खोला, पिल्स वाली सेल वाली साइड पे पिल्स लगानी है और पायलट पैप है जहाँ पे इसकी फिटिंग है वहाँ पे इसे टाइट कर देना। और चूड़ी पायलट पैप और पिल्स की चूड़ी जो सबसे पहले हाथ से लगानी है ताकि चूड़ी ख़राब ना हो। इसके बाद चाबी वगैरह की मदद से बिल्कुल नॉर्मल टाइट करना है। ज़्यादा टाइट करेंगे तो पिल्स ख़राब हो जाएगी। तो अभी इसकी फ़िटिंग कर ली है, हम इसे चला के ऑन करके चेक करेंगे। नई पिल की फ़िटिंग हो चुकी है तो वैसे ही चलाना है जैसे आम चलाने का तरीका होता है। पायलट को बर्नर प्लेट के बिल्कुल नीचे फिटिंग करनी है इसकी, पायलट की। यहाँ पे हमारा पायलट ऑन हो चुका है और इसके बाद बर्नर ऑन हो चुका है। पुश बटन दबाने पे गीज़र चलता है और छोड़ने पे बंद हो जाता है। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ पिल्स ख़राब हो सकती है। तो इसकी पिल्स ही ख़राब थी जो हमने चेंज की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गीज़र परफेक्ट काम कर रहा है। तो जैसे हमने इसकी जो बॉक्स ओपनिंग की थी वैसे ही हम इसका बॉक्स लगा देंगे, पेज वगैरह लगा देंगे। बिल्कुल आसान काम है, गैस वगैरह का कोई इशू नहीं है, कोई किसी जगह से लीकेज नहीं होती, बिल्कुल आसान है।